हेलो दोस्तों, ग्रुप डिस्कशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पार्टनरशिप पढ़ेंगे। देखिए, प्रश्न चालू करने के पहले पार्टनरशिप से रिलेटेड कुछ थ्योरी देख लेते हैं, ठीक है। समझते हैं कि पार्टनरशिप बोला जाता है किसको, ठीक है। तो पार्टनरशिप किसको बोलेंगे, तो देखिए, कम से कम दो या दो से अधिक आदमी मिलकर कोई व्यापार करे उसे पार्टनरशिप कहते हैं, ठीक है। यानी पार्टनरशिप किसको बोलते हैं, तो कम से कम दो या दो से अधिक आदमी मिलकर कोई व्यापार करे उसे ही पार्टनरशिप कहते हैं, यानी साझेदारी कहते हैं। पार्टनरशिप को हिंदी में क्या बोलेंगे, साझेदारी। देखिए, पार्टनरशिप दो तरह का होता है। पार्टनरशिप दो तरह का, एक होता है एक्टिव पार्टनर। क्या होता है, एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर यानी हिंदी में बोलेंगे इसको तो कहते हैं सक्रिय साझेदारी, ठीक है। तो सक्रिय साझेदारी किसको बोलते हैं, तो याद रखें, जो पार्टनर व्यापार में पूंजी लगाने के साथ साथ अगर काम के क्रियाकलापों से भी मतलब रखे, ठीक है। यानी पूंजी लगाने के साथ साथ अगर काम को भी देखरेख करे तो उसे ही एक्टिव पार्टनर कहते हैं, उसे एक्टिव पार्टनर कहते हैं। यानी क्या होता है, पूंजी भी लगाता है और काम को देखरेख भी करता है, तो उसे एक्टिव पार्टनर कहते हैं। अब होता है दूसरा, इनएक्टिव पार्टनर। तो इनएक्टिव क्या हो जाएगा, इनएक्टिव, इनएक्टिव पार्टनर पार्टनर हो जाता है वैसा पार्टनर जो सिर्फ पूंजी लगाता है, ठीक है। वैसा पार्टनर जो सिर्फ पूंजी लगाता है, उसको क्रियाकलाप से कोई मतलब न रखता है, उसी को इनएक्टिव पार्टनर कहते हैं। तो सिर्फ पूंजी लगाएगा तो उसको इनएक्टिव पार्टनर, और अगर पूंजी भी लगाता है और काम भी देखरेख करता है तो उसे एक्टिव पार्टनर कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए, तो अब जब पूंजी लगाया है, व्यापार शुरू हुआ है पूंजी लगाकर, तो इसमें कुछ लाभ भी होता होगा, तो लाभ कैसे बांटेगा। अगर दो आदमी है और पूंजी लगाया है तो लाभ कैसे बांटता है, तो लाभ को बांटने के लिए क्या करते हैं, तो पूंजी यानी जो व्यक्ति जितना पूंजी लगाया है और जितना समय के लिए लगाया है वो गुना कर लेते हैं। यानी बोल सकते हैं लाभ बराबर करता है तो पूंजी गुना समय। तो पूंजी और समय के गुणनफल के रेशियो को ही लाभ का रेशियो बोलेंगे। लाभ का रेशियो निकालना हो तो क्या करना होगा, पूंजी और समय के गुणनफल के रेशियो को निकालना होगा, ठीक है। देखिए, सी से हम लोग मान लेंगे कैपिटल। सी से क्या होता है, कैपिटल। कैपिटल यानी हिंदी में बोलेंगे तो पूंजी, ठीक है, पूंजी। टी से हम लोग मान लेंगे टाइम। टाइम यानी समय, समय। और अगर प्रॉफिट, प्रॉफिट, पी से प्रॉफिट मान लेंगे यानी लाभ। अगर दो व्यक्ति है, ठीक है, दो व्यक्ति है और दोनों मिलकर व्यापार चालू किया है, तो उसमें रिलेशन बनाते हैं इसे, सी से, टी से, पी से। देखिए, एक व्यक्ति मान लेते हैं ए और एक दूसरा व्यक्ति मान लेते हैं बी, तो इसमें रिलेशन बनेगा कि ए का पूंजी गुना ए का समय, तो कैपिटल ऑफ ए गुना टाइम ऑफ ए, बट्टा में करेंगे तो कैपिटल ऑफ बी गुना टाइम ऑफ बी। यानी ए का पूंजी गुना ए का समय, बट्टा में लगाएं तो बी का पूंजी गुना बी का समय, तो क्या निकल गया, लाभ का रेशियो निकलेगा। यानी भिन्न क्या होता है, रेशियो एक तरह से। तो बोल सकते हैं कि प्रॉफिट ऑफ ए बट्टा प्रॉफिट ऑफ बी। यानी याद रखिएगा, अगर दो व्यक्ति के बीच में रिलेशन बनाना हो तो क्या कीजिएगा, ए का पूंजी गुना ए का समय बट्टा बी का पूंजी गुना बी का समय, तो क्या निकल कर आएगा, ए का लाभ बट्टा बी का लाभ, ठीक है। अगर दो से अधिक व्यक्ति रह जाता, यानी दो से अधिक मान लेते कौन कौन, ए बी और एक मान लेते सी, यानी तीन व्यक्ति है और तीन व्यक्ति मिलकर व्यापार चालू किया है, तो इसका लाभ का रेशियो क्या हो जाएगा, इसमें लाभ का रेशियो क्या हो जाएगा, तो लगाइए लाभ का रेशियो कैसे निकलता है, तो पूंजी गुना समय के हिसाब से। तो पूंजी गुना समय लगाइए, तो ए का पूंजी, ठीक है, और ए का समय, ये निकल जाएगा लाभ। बी का पूंजी और गुना बी का समय, बी का समय, तो ये निकल गया बी का लाभ अनुपात।
और सी का पूंजी, तो सी का पूंजी और गुना सी का समय, ये भी निकल गया सी का लाभ। तो पूंजी गुना समय, पूंजी गुना समय, पूंजी गुना समय, तो क्या निकलेगा लाभ का रेशियो। यही चीज आपको याद रखना है, ठीक है। पूंजी गुना समय तो क्या निकलेगा लाभ। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि चंदन 20,000 रुपया की पूंजी निवेश करके एक व्यापार आरंभ करता है, यानी चंदन जो है वो 20,000 रुपया पूंजी लगाया और व्यापार चालू किया है, यानी शुरुआत कौन किया है चंदन। अब कह रहा है 2 माह के बाद, यानी जब चंदन व्यापार शुरू किया था उसके 2 माह बाद कौन आया चांदनी, कितना रुपया लगाकर 55,000 रुपया लगाकर उस व्यापार में शामिल हो जाती है। तो वर्ष के अंत में वह किस अनुपात में लाभ बांटेंगे, यानी दोनों किस रेशियो में लाभ को बांटते हैं। देखिए कौन कौन है, चंदन है और है चांदनी, चांदनी इसका लाभ का रेशियो कैसे निकलेगा, तो अभी बताएं लाभ का रेशियो कैसे निकलेगा, तो पूंजी गुना समय के हिसाब से, पूंजी गुना समय। तो बताइए चंदन का पूंजी कितना है 20,000 और चांदनी का पूंजी कितना है 55,000। अब देखिए दोनों का पूंजी मिल गया, अब दोनों का समय चाहिए, तो शुरुआत कौन किया है चंदन, यानी शुरू किया है चंदन, तो शुरू से लास्ट तक कौन अगर लगा रहा पूंजी चंदन का। तो कर वर्ष के अंत में, देखिए कितना वर्ष, यहां कुछ नहीं तो वर्ष खाली बोलेगा, वर्ष के अंत मतलब एक साल मानेंगे, तो वर्ष के अंत में मतलब एक साल के लिए, तो एक साल के लिए पूंजी लगाया गया होगा किसके द्वारा, तो चंदन के द्वारा, यानी शुरू से लेकर लास्ट तक पूंजी लगा रहा चंदन का, तो कितना माह के लिए, एक साल में 12 माह होता है, तो 12 माह के लिए, तो निकल गया चंदन का पूंजी गुना समय। अब लगाइए चांदनी का, तो चांदनी का पूंजी 55,000, समय कितना, तो कह रहा है जब चंदन व्यापार चालू किया था उसके 2 माह बाद कौन है चांदनी, यानी एक साल के लाभ को दर्शाना है, तो एक साल में 2 माह निकल गया तब पूंजी लगाया था चांदनी, यानी कितना माह के लगाया होगा, तो 12 माह में से 2 माह चला गया था तब पूंजी लगा रहा है चांदनी, यानी कितना माह के लिए, तो 12 में से डूब गया था कितना 10 माह के लिए, यानी चांदनी का पूंजी कितना माह 2 माह के लिए, तो निकल जाएगा लाभ। देखिए चंदन का पूंजी गुना समय, चांदनी का पूंजी गुना समय, तो निकल गया लाभ का रेशियो। अब इसमें से देखिए कटेगा क्या दोनों तरफ, तो कॉमन कितना जाएगा, तो 3 जीरो पहले यहां से कॉमन करते हैं इसमें, तो 3 जीरो यहां कट गया, 1 जीरो और कट रहा है, 1 जीरो से 1 जीरो यहां कट रहा है। अब देखिए ये 55 है और ये जगह 12 दुना 24, 12 दुना 24 और ये 55, देखिए इसको नहीं काटा जा सकता, इसमें कुछ नहीं कॉमन है दोनों में से, तो यही रह गया 24:55, ये लाभ का रेशियो कितना 24:55, यही आंसर होगा, यानी कौन सा ऑप्शन जा रहा है ए नंबर। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि राजेश ने 22,000 रुपए लगाकर एक वीडियो की दुकान खोली और 4 महीने बाद दिलीप 20,000 रुपया लगाकर, कौन दिलीप 20,000 रुपया लगाकर उसमें शामिल हो गया, वर्ष के अंत में लाभ में से दिलीप को 30,000 रुपया मिलता है, तो राजेश को कितने रुपये प्राप्त होगा। देखिए वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत मतलब एक साल, यानी एक साल जब हो गया तो लाभ देखा गया कितना 30,000 रुपया, किसको मिला है दिलीप को। तो चलिए पहले लाभ का रेशियो निकाल लेते हैं, तो कौन कौन है राजेश और कौन है दिलीप। राजेश लगाया कितना 22,000 और दिलीप कितना लगाया है 20,000। तो चलिए अब पूंजी निकल गया दोनों का, अब समय निकालिए। तो व्यापार चालू कौन किया राजेश, तो राजेश व्यापार चालू किया और अंतिम तक उसका पूंजी लगा रहा, यानी एक साल तक, तो एक साल में कितना महीना 12 महीना, तो निकल गया राजेश का पूंजी गुना समय। अब दिलीप का देखेंगे, तो दिलीप लगाया 20,000, कितना माह के लिए लगाया होगा, तो कह रहा है राजेश को जब दुकान खोल गया राजेश उसके 4 महीना बाद आया था, तो बताइए 12 महीना के लिए राजेश लगाया, उसमें 4 महीना निकल चुका है, तो कितना महीना के लगाया होगा 8 महीना के लिए, 12 माह से 8 माह गया था कितना 12 माह से 4 गया था 8 माह, तो निकल गया पूंजी गुना समय, पूंजी गुना समय, तो लाभ का रेशियो क्या निकला लाभ का रेशियो। अब देखिए कटेगा क्या, तो 3 जीरो यहां कट रहा है, 3 जीरो यहां कट रहा है, ठीक है 3 जीरो कट गया है। अब काटिए यहां से, तो काट सकते हैं यहां से 11 दुना का 22,
और ये हो जाएगा 10 दुना का 20, यहाँ से फिर काट लीजिए, हो जाएगा 2 3 चको 12 और 2 चको 8, अब कुछ कटेगा नहीं, आ गया 11 3 33 और 10 दुना का 20, यानी लाभकारी से कितना निकला 33:20। अब देखिए कह रहा है कि दिलीप का लाभ कितना है 30,000 रुपया, तो बताइए दिलीप का लाभ है 30,000, तो तुलना कीजिए तो दिलीप का लाभ है कितना अनुपात में 20, तो अनुपात 20 बराबर बोल सकते हैं 30,000 रुपया, 30,000 अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो कटेगा 1 0 से 1 0 और 15 दुना 30, 15 दुना 30 यानी 15 पर कितना जीरो बचा है 2 0, 1500 रुपया। तो बताइए राजेश को कितना मिलेगा, तो राजेश का रेशियो कितना है लाभ का अनुपात 33, अनुपात 33 बराबर कितना हो जाएगा, तो गुना कर लीजिएगा 33 गुना 1500 आ जाएगा 15 3 45 के 5 हतम रहा 4, 15 3 45 के 5 हमारा 4, 15 3 45 4 49, अब कितना जीरो बचा है 00, यानी 49,500 रुपये किसको लाभ मिलेगा, तो राजेश को, यानी ऑप्शन कौन जाएगा डी नंबर, ठीक है। देखिए राजेश था और दिलीप, तो राजेश का पूंजी गुना समय, तो दिलीप का पूंजी गुना समय लगाए तो लाभ का रेशियो, अब दिलीप का लाभ पता था तो रेशियो में दिलीप का लाभ कितना अनुपात 20, तो तुलना किए अनुपात 20 बराबर 30,000, अनुपात 1 बराबर 1500, अनुपात 33 बराबर कितना, तो आ गया 49,500। अब देखिए यहां से इसको दूसरा तरीका से बना सकते थे, तो इस तरह से भी बना सकते हैं सेकंड मेथड। अभी हम लोग पहला देखें, देखिए दो व्यक्ति है, कौन कौन है, राजेश और दिलीप, तो राजेश और दिलीप यानी दो व्यक्ति के लिए बताए थे कि ए का पूंजी गुना ए का समय बटा बी का पूंजी गुना बी का समय, तो क्या होता है ए का लाभ बटा बी का लाभ, इसी तरह से लगा सकते हैं राजेश का पूंजी, राजेश का पूंजी और राजेश का समय कितना 12 माह, अब दिलीप का पूंजी, दिलीप का पूंजी कितना 20,000, अब दिलीप का समय तो बताइए 4 महीना बाद आया था यानी कितना महीना के लिए 8 महीना के लिए, अब राजेश का पूंजी, राजेश का समय, दिलीप का पूंजी, दिलीप का समय, तो ऊपर में क्या चाहिए राजेश का लाभ, तो राजेश का लाभ नहीं पता है तो राजेश का लाभ मान लेते हैं आर, और दिलीप का लाभ कितना है 30,000। देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए आर का मान निकल जाएगा, यानी 3 0 3 0 यहां कट गया, 1 0 से 1 0 यहां भी कट जाएगा, ठीक है, ये 2 6 12 हो गया, यहां काटिएगा तो 4 2 8 11 2 22 यहाँ का देगा 3 2 6 2 2 4 15 2 30, अब सब गुना कर लेना है तो आर का मान निकल जाएगा यानी 49,500 रुपया। इस तरह से भी बना सकते हैं, यानी दो व्यक्ति के लिए लगा सकते हैं ए का पूंजी गुना ए का समय बट्टा बी का पूंजी गुना बी का समय बराबर ए का लाभ बट्टा बी का लाभ, इसके सहायता से निकल जाएगा। आइए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, करा है धोनी ने 1,000 रुपया 3 महीने के लिए तथा गंभीर ने 800 रुपया 4 महीने के लिए निवेश किया, तो लगाइए धोनी का पूंजी गुना धोनी का समय, तो धोनी का पूंजी 1,000 गुना और धोनी का समय कितना है 3 महीना, बट्टा में लगाइए गंभीर का पूंजी, तो गंभीर का पूंजी कितना 800 गुना गंभीर का समय कितना है तो 4 महीना, तो निकल गया धोनी का पूंजी गुना धोनी का समय बट्टा में गंभीर का पूंजी गुना गंभीर का समय, तो हमको बराबर चाहिए क्या धोनी का लाभ बटा गंभीर का लाभ। देखिए कुल लाभ 620 यानी धोनी और गंभीर दोनों मिलाकर लाभ कितना कमाया 620, ठीक है 620, तो 620 में गंभीर का लाभ कितना नहीं पता, तो मान लीजिए गंभीर का लाभ अगर जी होगा, गंभीर का लाभ कितना जी, तो अगर कुल लाभ में से गंभीर का लाभ घटा लेंगे तो शेष लाभ किसका बचेगा धोनी का, तो कितना 620 माइनस जी। अब काट कुट कीजिए तो 2 0 यहां पर कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 2 10 और 4 2 8, अब क्या होगा तिरछा तिरछी गुना, तो ये गुना कीजिए जी और गुना 5 3 15, तो हो जाएगा 15 जी। अब 620 माइनस जी में 4 × 4 यानी कितना 16 से गुना कीजिए तो आ जाएगा 0 16 2 32 के 2 हाथ में 3 16 96 3 99 यानी 920 माइनस और 4 4 को 16 जी, अब माइनस 16 जी इधर आएगा तो प्लस में,
तो 16 15 कितना 31 जी, 31 जी बराबर आ गया 9920, तो जी बराबर कितना आ जाएगा 320। इसको काट लीजिएगा, कितना मीटर कटेगा 320 मीटर। यानी ये जी क्या माने थे, तो गंभीर का लाभ माने थे, गंभीर का लाभ, तो ये गंभीर का लाभ कितना है 320। यानी ऑप्शन कौन जाएगा, ए नंबर, ऑप्शन ए। आइए हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है कि जलाल, अमित और फिरोज, कौन कौन है, जलाल, अमित, फिरोज, तीन आदमी है, एक साझेदारी में शामिल होते हैं, यानी एक व्यापार में शामिल होते हैं। करा जलाल अमित द्वारा किए गए निवेश का 4 गुना निवेश करता है। देखिए जलाल जो है अमित द्वारा निवेश किए गए का 4 गुना, और अमित फिरोज द्वारा किए गए निवेश का 3/4 गुना। ये पकड़िए 3/4, यहाँ पर भिन्न में दिया हुआ है। देखिए रेशियो में हम लिखने के लिए सिखाए थे कि अगर 3/4 है इसको रेशियो में कैसे लिखेंगे, तो हम बताए थे जिसके बारे में बोलेगा वो भिन्न का ऊपर वाला, और जिससे तुलना करेगा वो भिन्न का नीचे वाला। तो कलिए करा अमित फिरोज द्वारा किए गए निवेश का 3/4, कौन, अमित, अमित के बारे में बोल रहा है, किससे तुलना किया है, फिरोज से, अमित के बारे में बोला है तो अमित हो जाएगा ऊपर वाला, यानी कितना 3, ये अमित हो जाएगा, ठीक है, अमित हो जाएगा। और जिससे तुलना किया है तो किससे तुलना किया है, फिरोज से, तो फिरोज नीचे वाला। तो अगर अमित 3 निवेश किया है तो फिरोज कितना 4, लगाइए अमित है ए, एफ से फिरोज और जे से जलाल, यानी जलाल, अमित, फिरोज, फिरोज। देखिए फिरोज 4 लगाया है, अमित कितना 3, और फिर बोला था क्वेश्चन कि जलाल जो है अमित द्वारा निवेश किए गए का 4 गुना। तो बताइए अमित अगर 3 निवेश किया तो जलाल कितना किया होगा, तो इसका 4 गुना कीजिएगा, तो 3 गुना 4 कितना जाएगा 12, यानी निकल गया यहां से ये लाभ का रेशियो, ये लाभ। देखिए यहां पर करा वित्तीय वर्ष के अंत में, वित्तीय वर्ष मतलब एक साल के अंत में, ठीक है, जो चालू वर्ष है उसके अंत में, यानी एक साल के अंत में, एक साल दो साल जो भी हो समय, तो एक साल के अंत में, तो सबके लिए तो समय उतना ही होगा, 12 महीना 12 महीना 12 महीना, या 24 महीना 24 महीना 24 महीना, यानी कुछ भी, यानी सबके लिए समय बराबर है। तो अगर समय को गुना कीजिएगा सब में तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, समय समय रेशियो कट जाएगा सब, तो यही हो गया पूंजी का रेशियो। यहाँ पर क्या हो गया लाभ, कहा कि तीनों का समय बराबर है, तो जब समय बराबर रहे तो पूंजी का रेशियो ही लाभ का रेशियो दर्शाएगा। तो कह रहा है वित्तीय वर्ष के अंत में 19,000 रुपया का लाभ होता है, तो टोटल लाभ कितना 19,000, बताइए अनुपात में कितना, 12 3 15 15 4 19, अनुपात 19 बराबर 19,000, अनुपात 1 बराबर कितना 1,000। तो कह रहा है जलाल का हिस्सा ज्ञात कीजिए, तो जलाल का हिस्सा कितना हो जाएगा अनुपात में 12, 1 बराबर 1,000, तो 12 बराबर कितना 12,000 रुपया, यही आंसर है, यानी कौन हो जाएगा बी नंबर, ऑप्शन बी। पांचवा क्वेश्चन है, 3 व्यक्तियों ने 4:6:5 के अनुपात में धन लगाकर एक व्यवसाय आरंभ किया, तो 3 व्यक्ति कौन कौन, मान लेते हैं ए बी सी, ठीक है, 3 व्यक्ति का पूंजी का रेशियो ए बी सी का रेशियो, 1 वर्ष के अंत में तीनों को प्राप्त लाभ का अनुपात, ये लाभ का रेशियो दिया है, तो किसका किसका, ए बी सी का, ठीक है, ये लाभ, ये लाभ का रेशियो, और ये क्या हुआ पूंजी का रेशियो, ये पूंजी का रेशियो। तो उनके समयों का अनुपात ज्ञात करें जिनके लिए उन्होंने पूंजी लगाई। तो देखिए हम पूंजी निकालते हैं समय का रेशियो, पहले 2 व्यक्ति के लिए लगाइए, तो ए और बी के लिए लगाते हैं, तो ए और बी के लिए क्या हो जाएगा, तो ए का पूंजी गुना ए का समय, तो ए का पूंजी कितना 4, तो ए का समय कितना T1 मान लेते हैं, बटा में बी का पूंजी, तो बी का पूंजी कितना 6, तो बी का समय कितना T2, तो यहाँ गया ए का पूंजी ए का समय, बी का पूंजी बी का समय, तो क्या हो जाएगा ए का लाभ बटा बी का लाभ, तो ए का लाभ 2, तो बी का लाभ कितना 3, तो दोनों का 3 को ले सकते हैं 2/3। अब यहां से काट लेते हैं, तो यहां से कटेगा तो हो जाएगा 2 × 4 2 3 6 3 खत्म, यानी T1/T2 का मान कितना, T1/T2 का मान कितना आ गया 1/1, यानी यहां से लिख सकते हैं रेशियो में कितना, यहां रेशियो में लिख सकते हैं T1
और टी टू का रेशियो कितना 1:1। अब आगे लगाइए, देखिए ए और बी में लगा लिए, अब लगा लेते हैं बी और सी में, या ए और सी में भी लगा सकते हैं, तो लगाइए बी और सी में, तो बी का पूंजी 6, तो बी का समय कितना टी टू, अब लगाइए सी का पूंजी, तो सी का पूंजी 5, तो सी का समय कितना टी थ्री, टी थ्री, तो लगाइए बी का पूंजी बी का समय, सी का पूंजी सी का समय, तो क्या हो जाएगा बी का लाभ बटा सी का लाभ, तो बी का लाभ 3, तो सी का लाभ कितना 5। अब काट कूट कीजिए, तो 3 × 6 हो यहाँ से खत्म, ये 5 से 5 खत्म, यानी यहाँ से आ गया टी टू बटा टी थ्री कितना जाएगा, तो 1/2 नीचे आ जाएगा एक गुना में तिरछा गुना करके, तो कितना जाएगा 2, 1/2, यानी टी टू अनुपात टी थ्री का रेशियो कितना आ गया 1:2। अब देखिए टी वन अनुपात टी टू अनुपात टी थ्री का रेशियो लिखने के लिए क्या करेंगे, तो दोनों में कॉमन देखेंगे, दोनों में कॉमन कौन है, दोनों में कॉमन है टी टू, तो टी टू के अनुपात को समान कीजिए, तो टी टू का अनुपात दोनों में क्या समान 1:1 समान है, तो अब लिख दीजिए टी वन का मान 1, टी टू का भी 1 और टी थ्री का कितना 2, यानी टी वन किसका मान माने थे ए का समय, टी टू क्या था बी का समय, और टी थ्री क्या था सी का समय, निकल गया समय का रेशियो कितना 1:1:2, कौन सा ऑप्शन जाएगा, तो 1:1:2 ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। आइए हम लोग छठा क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन है रामदास ने एक कॉस्मेटिक व्यवसाय में 90,000 रुपये का निवेश किया, कितना 90,000 का, देखिए रामदास का पूंजी कितना है 90,000, 90,000 रामदास का पूंजी बटा में, दूसरा का पूंजी लगाई, तो कुछ महीनों बाद श्यामदास 30,000 रुपए लगाकर व्यापार में साझेदार हो गया, तो कुछ महीना बाद श्यामदास कितना लगाया 30,000, तो क्या निकला ए का पूंजी और बट्टा में बी का पूंजी, तो हमको चाहिए समय, गुना करेंगे समय से, बताइए रामदास शुरू से व्यापार लगाया है अंतिम तक, तो कितना महीना के लिए, तो कह रहा है कि वर्ष के अंत में कुल लाभ, वर्ष मतलब एक साल, यानी रामदास 12 महीना के लिए लगाया होगा, रामदास 12 महीना के लिए पूंजी लगाया होगा, अब श्यामदास कितना महीना के लिए लगाया होगा, ठीक है श्यामदास कितना महीना के लिए लगाया होगा, तो कुछ महीना बाद श्यामदास आया है, कुछ महीना बाद आया होगा, मान लेते हैं कि कितना महीना के लिए लगाया एक्स, श्यामदास कितना दिन के लिए एक्स महीना के लिए पूंजी लगाया होगा, तो लगाइए ये रामदास का पूंजी रामदास का समय, श्यामदास का पूंजी श्यामदास का समय, क्या होगा रामदास का लाभ बटा श्यामदास का लाभ, तो रामदास का लाभ कितना 4 और श्यामदास का लाभ कितना 1, तो यहां से काट कूट कीजिए ये आ जाएगा 3/1 पूरा कट जाएगा, ये कट जाएगा 4 × 12, यानी एक्स बराबर कितना गया 3 × 3 9, यानी 9 माह, तो 9 माह का आया है, तो यह आया श्यामदास का समय, या क्या आया श्याम दास का समय, यानी श्याम दास कितना माह के लिए पूंजी लगाया 9 माह के लिए, देखिए तो कितना महीना के बाद आया तो टोटल माह 12, 12 में से ये 9 माह के लिए पूंजी लगावे किया है, तो 9 घटा लेंगे तो 12 माह से 9 माह जाएगा, तो कितना 3 माह, यानी 3 माह बाद आया था श्याम दास, 3 माह बाद आया है श्याम दास, यानी 3 माह बाद आया है ऑप्शन बी। 7वां क्वेश्चन में रोहित ने 75,000 रुपया के साथ एक व्यापार शुरू किया, यानी व्यापार कौन शुरू किया है रोहित, लगाइए रोहित का पूंजी कितना है 75,000, कुछ महीने बाद सिमरन 60,000 रुपया के साथ उससे जुड़ जाती है, यानी अब कौन आ गया सिमरन, तो लगाइए रोहित का पूंजी अब बट्टा में लगाएंगे सिमरन का पूंजी, सिमरन का कितना 60,000, देखिए रोहित का पूंजी पता है सिमरन का पूंजी पता है, तो इसमें क्या होगा समय से गुना करना होगा, अगर यदि एक वर्ष के अंत में लाभ 3:1 का, यानी यहां से लगाएंगे लाभ का रेशियो कितना 3:1, यानी 3/1, यानी रोहित का लाभ 3 तो सिमरन का कितना 1, तो देखिए एक वर्ष के अंत में ना यानी 12 महीना के लिए, तो रोहित शुरू से पूंजी लगाया और लास्ट तक उसका पूंजी लगा रहा है, यानी कितना महीना के लिए एक साल के लिए, एक साल मतलब 12 महीना के लिए, और मान लीजिए
कि सिमरन का समय नहीं पता है तो कितना माह के लिए पूंजी लगा हुआ, तो मानता है एक्स माह के लिए सिमरन का पूंजी कितना माह के लिए लगा रहा, एक्स माह के लिए। आ गया रोहित का पूंजी गुना रोहित का समय बट्टा में सिमरन का पूंजी गुना सिमरन का समय बराबर, तो रोहित का लाभ बट्टा सिमरन का लाभ। अब काटेंगे इसको तो तीन जोड़े यहाँ खत्म हो जाएगा, इसको काटेगा 15 25 75 15 64 4 3 12 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, यानी x बराबर कितना आ गया 5 माह, x बराबर 5 माह, यानी 5 माह के लिए सिमरन ने पूंजी लगाई, यानी सिमरन कितना माह के लिए 5 माह के लिए पूंजी लगाई है। तो क्वेश्चन पूछा देखे, इन्हें पूछ रहा है कि सिमरन कितने माह के लिए पूंजी लगाई, इन्हें पूछ रहा है, कर रहा है सिमरन रोहित से कितने महीने बाद जुड़ी होगी, कितने महीने बाद। देखिए रोहित तो शुरू में जुड़ा था और लास्ट लगाया, यानी रोहित कितना महीना के लिए लगाया 12 महीना के लिए, लेकिन सिमरन कितना माह के लिए लगाया 5 महीना के लिए, तो घटा लेंगे 12 में से 5 गया तो कितना 7, यानी 7 माह बाद आया है सिमरन, 7 माह बाद आया, बाद आई सिमरन, यानी आंसर हो जाएगा ए नंबर। 8वां क्वेश्चन है ए बी सी ने एक व्यापार 1 2 4 के अनुपात में अपने निवेश के साथ आरंभ किया, यानी कौन कौन है, ए है बी है और सी है, कितना कृषि में लगाया 1 2 4 कृषि में पूंजी लगाया है। 6 महीनों के बाद ए ने अपनी पूंजी को पहले से 50% और बढ़ा दिया तथा बी ने अपने निवेश को पहले से दुगना कर दिया और सी ने अपने निवेश को 1/4 वापस ले लिया, तदनुसार वर्ष के अंत में उनका लाभ का अनुपात क्या होगा। देखिए करा 6 महीना के बाद कहानी हो रहा है, इसका मतलब 6 महीना तक ये जो रेशियो है वही रेशियो रहा होगा, ठीक है, यानी 6 महीना तक ए का पूंजी 1 लगा रहा होगा, बी का पूंजी 2 लगा रहा होगा, सी का पूंजी 4 लगा रहा लगा, 6 माह के लिए यही पूंजी रह गया, 6 माह के लिए यही पूंजी रह गया। अब कह रहा है ए जो है 50% और बढ़ा दिया, तो 50% वृद्धि कर देगा मतलब कितना हो जाएगा 150%, और 150% तोड़िएगा तो कितना जाएगा, तो 150% आ जाएगा 150/100 यानी 3/2, 3/2। तो बताइए एक जो पूंजी है वो 6 माह के लिए, अब 1/3 हो गया पूंजी, 1/3 हो गया कितना माह के लिए, तो 12 माह से 6 माह हो गया था, यानी कितना माह 6 माह और बचा। देखिए 6 माह तक पहले 1 पूंजी लगा रहा, अब 6 माह तक और कितना, तो 3/2 पूंजी लगा रहा, 3/2। अब देखिए बी के बारे में, तो 2 जो है बी का वो 6 माह के लिए और शेष 6 माह के लिए कितना करा, बी ने अपने निवेश को पहले से दुगना कर दिया, तो पहले था 2 अब दुगना करने का था कितना 4, ये कितना, तो 12 माह से 6 माह हो गया था, बचा कितना 6 माह। अब तीसरा के लिए, तो तीसरा का पूंजी था 4, तो 6 माह बाद यानी 6 माह तक 4 लगा रहा, अब कितना करा है 1/4 वापस लिया, तो बताइए 1/4 वापस लेगा तो बचा है कितना, तो टोटल पूंजी था 1 1 में से 1/4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3/4, तो 4 का 3/4 पूंजी लगा रहा कितना माह के लिए, 6 माह के लिए। अब इसको तोड़ लीजिए, यही हो जाएगा लाभ का रेशियो, ये होगा लाभ का रेशियो। देखिए कटेगा 2 3 6, तो 3 3 9 9 और 6 15, ये कटा तो 6 2 12 और 6 4 24, तो 24 और 12 कितना हो जाएगा 36, और ये हो गया 6 4 24 और 4 से 4 खत्म, और 6 3 18 6 3 18 18 4 72, 4 से 4 खत्म, 6 3 18 और 6 4 24, 24 और 18 कितना हो जाएगा 42। देखिए इसमें कुछ कॉमन हो रहा है, तो कॉमन हो रहा है 3 3 से काट लीजिए, 5 3 15 12 3 36 14 3 42, यानी कितना आ गया 5 12 14 का रेशियो, कौन सा ऑप्शन जाएगा सी नंबर। आइए हम लोग 9वां क्वेश्चन देखते हैं, कराए
ए बी तथा सी ने एक व्यापार के लिए 47,000 रुपया का चंदा दिया, यानी तीनों मिलकर कितना है 47,000 रुपया है। ए ने बी से 7,000 रुपया ज्यादा दिए व बी ने सी से 5,000 रुपया ज्यादा दिए कराया, 9,400 के कुल लाभ में से बी को कितना मिलेगा। देखिए तीन व्यक्ति है, ए बी सी है, तो कह रहा है बी जो है सी से कितना ज्यादा दिया है, 5,000 ज्यादा दिया है, और ए जो है बी से कितना ज्यादा दिया है, 7,000। तो देखिए जो ज्यादा दिया है वो पहले उसको जोड़ लेते हैं, अधिक कर लेते हैं, हटा लेते हैं, तो टोटल था 47,000। 47,000 में 5,000 इसको ज्यादा दिया, बी सी से ज्यादा दिया, तो 5,000 इन्हें से 5,000 रुपया निकाल लीजिए, और ए बी से 7,000 ज्यादा, बताइए ए सी से कितना ज्यादा दिया होगा, तो 7 और 5 जुड़ेगा ना, तो 12,000 टोटल कितना, 17,000 रुपया। तो जो अधिक बोला है वो पहले हटा लीजिए, देख 47,000 में से 17,000 निकल गया तो बचा कितना, 30,000, और 30,000 को तीन बराबर भाग में बांट देते हैं तो कितना कितना हो जाएगा, 10-10,000, तो 10,000 ये हो गया, इसको भी 10,000 दिया होगा, ये भी 10,000 दिया होगा। अब देखिए इससे ये 5,000 रुपया ज्यादा दिया है, इसमें 5,000 जोड़ लेंगे, और इससे ये कितना ज्यादा दिया है, तो 7,000, तो 5,000 और 7,000 कितना हो जाएगा, 12,000, यानी टोटल कितना हो गया, 22,000, ये कितना हो गया, 15,000, ये कितना हो गया, 10,000। देखिए बी सी से 5,000 ज्यादा है और ए बी से 7,000 ज्यादा है, तो ये हो गया लाभ का रेशियो, तीनों में कटेगा क्या, 3 0 कट जाएगा, यानी 22, 15, 10 का रेशियो। अब तीनों मिलाकर कितना लाभ, तो 22 और 10 32, 32 और 15 कितना, 47, अनुपात में 47, रुपया में कितना, 9,400, अनुपात एक बराबर कितना, तो 47 दुना कितना होता है, 94, यानी 200। तो निकाल सकते हैं यहाँ से बी को कितना मिला, तो बी का लाभ कितना, अनुपात में 15, तो अनुपात एक बार 200, तो 15 कितना, 15 दुना 30, यानी 3,000 रुपया, ठीक है, 3,000 रुपया, यानी बी को कितना मिला, तो 3,000 रुपया, ऑप्शन बी। ए तथा बी एक चारागाह किराए पर लेते हैं जिसका कुल किराया 1250, यानी दोनों मिलकर किराया कितना भुगतान करेगा, तो 1250 रुपया का। ए उसमें 24 गाय 6 महीना तक और बी उसमें 16 भैंस 4 माह तक चराता है। देखिए कौन कौन है, ए और बी, बोला है ए 24 गाय, यानी 24 गाय, गाय माने कौ, सीमा लेते हैं जैसे गाय, ठीक है, 24 कौ को कितना, तो 6 माह तक, और बी 16 भैंस 4 माह तक, 16 भैंस, भैंस को मान लीजिए बी से क्या माने, 16 भैंस, तो 16 भैंस कितना, 4 माह के लिए। देखिए पूंजी गुना समय, पूंजी गुना समय, तो क्या हो गया लाभ, तो यही लाभ हो गया, तो इसी के रेशियो में क्या होगा, वो किराया भी चुकाएगा, ठीक है, इसी रेशियो में किराया भी चुकाएगा। लेकिन देखिए रेशियो में यहाँ सी है और यहाँ बी है, तो ये तो कर नहीं सकता है, सी सी कीजिए या बी बी कीजिए, तो एक रिलेशन दिया है आगे जाके, यदि तीन गाय यानी तीन कौ, यदि तीन गाय उतना ही खाती है जितना दो भैंस, कितना, 2 भैंस, और भैंस को क्या मानते हैं, बी, 2 भैंस, यानी 3c = 2b कह सकते हैं, ठीक है, तो 3c = 2b, तो 24c = कितना, तो इसमें 800 गुना कीजिएगा, तो इधर भी 800 गुना, यानी 24 गाय बराबर कितना, 16 भैंस कह सकते हैं, तो चाहे तो भैंस भैंस को समान कर लीजिए या तो गाय गाय को, तो ले लाइए यहाँ से 24 गाय बराबर 16 भैंस, तो यहाँ 16 हो जाएगा, 16b × 6 अनुपात, ये होगा 16b × 4, देखिए बी से बी खत्म हो गया, 16 से 16 खत्म हो गया, ये काटेगा 3 × 6 2 × 4, 3 अनुपात 2 के रेशियो में, बताइए
दोनों मिलाकर क्या है करना 1250, लेकिन यहाँ से अनुपात में कितना, अनुपात 5, अनुपात 5 बराबर कर सकते हैं 1250 रुपया, अनुपात 1 बराबर कितना जाएगा 25 और 125 यानी 250 रुपया। कह रहा है बी कितना किराया देगा, तो बी कितना है अनुपात में 2, तो बी का किराया कितना अनुपात में 2, 1 बराबर 250 तो 2 बराबर करना 500 रुपया, बी कितना किराया चुकाएगा तो 500 रुपया ऑप्शन बी। आइए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दीपा ने एक कारोबार 60,000 रुपया की पूंजी से आरंभ किया, ठीक है, यानी शुरुआत कौन किया है दीपा, कितना लगाकर 60,000, 3 महीने बाद रोज ही 1,00,000 रुपया की पूंजी लगाकर दीपा की भागीदारी बन गई, ठीक है, दीपा के साथ जुड़ गया कौन रोजी, कितना महीना बाद 3 महीना के बाद, अगले 3 महीना के बाद ज्योति भी 1,20,000 रुपया की पूंजी लगाकर उनके साथ व्यापार में भागीदार बन गई वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में मतलब एक साल, यानी एक साल के अंत में 78,000 रुपया का लाभ हुआ हो तो ज्योति और रोजी के लाभों में कितना अंतर। देखिए लाभ का रेशियो पहले निकालिए, कौन कौन है दीपा है फिर रोजी है और ज्योति है, ठीक है। देखिए पूंजी यहाँ लिखिएगा सबका पूंजी, तो रेशियो में कहता है कटता है तो पहले ही छोटा कर लीजिए, तो तीनों में तो पूंजी में कॉमन क्या हो रहा है देख रहे हैं 4 जीरो कट रहा है 1, 2, 3, 4 जीरो, यहाँ भी कर सकते हैं 1, 2, 3, 4 जीरो, 4 जीरो यहाँ भी खत्म हो जाए 1, 2, 3, 4 जीरो, और छोटा कर सकते हैं नहीं तो इतना रह दीजिए, तो हो गया दीपा का 6, रोजी का 10 और ज्योति का 12। अब गुना कीजिए समय से, तो व्यापार शुरू कौन किया है दीपा, शुरू से लेकर लास्ट तक, और लाभ कितना साल में हुआ एक साल में, यानी दीपा एक साल के लिए पूंजी लगा है तो कितना महीना 12 महीना। रोजी देखिए 3 महीना बाद रोजी आया है, यानी दीपा का चालू करने के बाद 3 महीना बाद, तो 12 में से 3 महीना चल गया तो कितना महीना 9 महीना। अब देखिए जब रोजी पूंजी लगाई उसके 3 महीना बाद कौन है ज्योति, तो 9 महीना में से फिर 3 महीना चला गया तो कितना महीना 6 महीना निकल गया। दीपा का पूंजी गुना समय, रोजी का पूंजी गुना समय, ज्योति का पूंजी गुना समय, ये क्या निकला लाभ का रेशियो, ये क्या निकला लाभ का रेशियो। देखिए तीनों में कटेगा क्या क्या, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि कट रहा है 2, तो 6 × 12, 5 × 10, 6 × 12 और क्या कटेगा तो 3 से कटेगा, 2 × 3 = 6, 3 × 3 = 9 और 3 × 6, ठीक है, 2 × 3 = 6 और 3 × 3 = 9 और 2 × 3 = 6, फिर क्या कटेगा और कुछ कटेगा तो देख रहे हैं 3 से, 3 × 6, 3 × 3 खत्म और 3 × 6 यानी आ गया 2 × 4, 5, 3 × 4 का रेशियो, ये लाभ का रेशियो। वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना 78,000, देखिए अनुपात में टोटल लाभ कितना तो 4 × 4 = 16, 4 × 4 = 8, 8 × 5 = 13, अनुपात 13 बराबर कर सकते हैं 78,000, अनुपात 1 बराबर करना जाए 13 × 6 = 78 यानी 6,000। ज्योति और रोजी के लाभ में अंतर कितना, तो ज्योति और कौन, ज्योति और रोजी, तो ज्योति और रोजी के अंतर कितना अनुपात में, लाभ का अंतर कितना अनुपात में, 5 × 4 = 1, अनुपात 1 का मान कितना 6,000, यही आपका आंसर है, कौन सा बन जाएगा ए नंबर। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ नए प्रश्नों को लेकर। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करना न भूलें। आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।